हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ना है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या होगा। इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 81। अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो इसका जो यूनिट डिजिट है मतलब 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, 1 into 1 1। तो देयरफॉर इसका यूनिट डिजिट में 1 आएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 का स्क्वायर होता है 2 into 2 4, तो यूनिट डिजिट 4। जिसे आप एक क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें 8 है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 मतलब यूनिट डिजिट में आएगा 4। इस तरह से आप कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि कोई भी नंबर अगर वो एंड होता है 2 3 7 8 या और 0, या अगर अगर यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या ऑड 0, 0 अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो स्क्वायर रूट हो सकता है। लेकिन अगर तो वो इस परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अगर यूनिट डिजिट में जो 0 का नंबर है वो इवन में नहीं है, ऑड में है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 एंड ऑड 0 आर नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके आधार पे आप देख सकते हो कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। किसका स्क्वायर ऑड होगा। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जिसे आपने 2 लिया, तो 2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, 2 इवन नंबर है, उसका स्क्वायर 4 होता है, वो भी इवन नंबर है। अगर आपने 6 लिया, इवन है, स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, वो भी इवन है। अगर आपने 3 लिया, 3 का ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 ऑड था, 9 भी ऑड है। तो ऑड का स्क्वायर ऑड नंबर आता है, इवन का स्क्वायर इवन नंबर आता है। तो इसका जो इवन का बताना था, तो 431 ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड आएगा, 779 थर्ड वाला ऑड है तो इसका भी स्क्वायर ऑड होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पैटर्न है, इस पैटर्न को आप देखिए, 4 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121, 101 का स्क्वायर ये है 10201, 1001 का स्क्वायर वो है 100200 और 1, फिर 1401, 1 1 2 3 4 1, इसका स्क्वायर है 1 4 0 2 4 0 और 1। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में यही आपका था कि ऐसा था, ये नहीं था और ये भी नहीं था। तो देखो इसके पैटर्न में 20 था यहां पे, तो यहां भी 20 आया, तो यहां 40 है तो यहां भी आप 40 डाल दो, और यहां भी 2 है, 2 के बाद देखो 20 था तो यहां भी 20 था, यहां 10 था तो यहां भी 10 था, यहां 4 है तो यहां भी 40 डाल दो। तो ये हो गया। इसके बाद है आपका 2 4 6 1 6 0, 1 2 3 4 5 6 1, तो 1 2 3 4 5 6, फिर 2 1 2 3 4 5 6 1, तो ये ऐसे बन जाएगा। यहां पे स्क्वायर था, स्क्वायर लगा लीजिए। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक पैटर्न है, इसमें 11 का स्क्वायर है 121, फिर 101 का है
10201, फिर 10101 का स्क्वायर है, 10203021, फिर 10 10 10 तीन बार, 10 10 10 और 1, 10 10 10 1 स्क्वायर है इसका, हमको लिखना है। तो देखिए इसको फॉलो करें, अगर हम इसको फॉलो करें तो 10 10 दो बार 10 है, तो 10 20 30 एक स्टेप आगे गए, फिर वापस 20 पे आए, तो यहाँ पे 1 2 3 10 20 30 हम 40 तक जाएंगे और फिर वहां से वापस चलेंगे। तो चलते हैं 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 और 40 के बाद फिर वापस 30 20 और फिर वन, ऐसा। एक और है इसका राइट साइड दिया हुआ है, 10 20 30 40 50 40 30 21, अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर 50 तक गया, तो 10 10 10 10 एक कम, देखो इसमें तीन बार 10 था, 1 2 3 इसमें 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा गए, तो 3 10 के बदले, तो यहाँ पे कितने हैं, वापस कहाँ से हो रहे हैं, 50 से, तो 1 2 3 4 तक जाएगा, 10 10 10 1 2 3 10 and 1। ओके क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यूजिंग द पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप पैटर्न को फॉलो करो और मिसिंग नंबर को निकालो। देखो बुक में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो 1 में 2 पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो तीसरा देखो क्या आता है, 1 और 2 का इंटू करोगे तो 2 ही आएगा, तो थर्ड नंबर पहले दोनों का स्क्वायर करने से तीसरा आता है, और उसमें 1 प्लस कर दें तो इक्वल के बाद का नंबर आ जाता है। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाले में देखो 2 और 3 है, तो 2 3 6, 6 का स्क्वायर थर्ड नंबर हो गया, उसमें 1 प्लस कर देंगे तो इक्वल का नंबर आ जाता है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यहाँ पर ब्लैंक है, तो 4 इंटू 5 क्या होगा, 20 का स्क्वायर, तो वहाँ पे 20 पुट होगा। इसके बाद वाला में 5 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो 5 है और 30 है, तो 30 को डिवाइड किया 5 से तो 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बीच में आएगा 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 42 हो जाएगा और बाद वाला नंबर 43 हो जाएगा। इसी तरह का ये है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, आप सीधे सीधे इसको प्लस करो और उसका स्क्वायर कर दो, नंबर्स कितने हैं उसको देखो, नंबर को काउंट करो, प्लस नहीं करो, जैसे 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं पहले वाले में, 7 के फर्स्ट में, 7 का अगर फर्स्ट में जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 25 आंसर। सेकंड वाले का सम करोगे तो ये 10 नंबर्स हैं, तो 10 हमें अगर तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आंसर में 100। सेकंड वाले में ये 10 है, 9 से और आगे चला जाता है, तो टोटल नंबर्स हैं 10, 10 का स्क्वायर होगा 100। थर्ड वाले में भी देखोगे तो ये शायद 12 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करो, 12 है, 12 का स्क्वायर करोगे 144। अब आप 8th नंबर देखो, ये एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 और नंबर्स, तो ये 8 का फर्स्ट है, 49 को 7 और नंबर्स में एक्सप्रेस करना है, तो यहां से शुरू करो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, और फिर चलते चलो जहां तक इसका प्लस करने पे ये आ जाए कितना, प्लस करने पे आ जाए कितना, 49। तो चलो करते चलो, 1 3 4 5 9 7
9 7 16 and 9 25 plus 11 plus 13, देखो 3 1 4 9 13 13 और 7 20 25 25 और 3 28 और 29 और 4, ये आता था 49। तो ये हो गया। इसी तरह से आपको नेक्स्ट में बोला है किसका 49 के बाद 121, तो 121 को भी ऐसे ही देख करके आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में चलो, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये बड़ा सिंपल है, जो फर्स्ट नंबर है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 12 है और 13, 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो 12 इंटू 2 करो, इतना आ जाएगा 24। फिर पूछा है आपसे 25 26, तो 25 26, 25 इंटू 2 50 आंसर। फिर देखो 99 एंड 100, 99 into 2 198। तो इस तरह से एक्सरसाइज 6.1 फिनिश। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।